अ न्यू रिलीजन, एक नया धर्म। और वह नया धर्म कौन सा है यह जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अच्छा एक क्लू दे देती हूँ, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, तो यह कहानी उसी से रिलेटेड है। अब सारी बात मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी, इसके लिए तो आपको पूरी कहानी सुननी होगी। यह कहानी डॉक्टर आर एस खनबेटे के द्वारा लिखी गई है। वो अहमदाबाद में एक फैमिली फिजिशियन है, यानी कि पारिवारिक चिकित्सक। चिकित्सा के क्षेत्र में जो उनका अनुभव है वही उनके लेखन कार्य की नींव बना। अभी तक उन्होंने लगभग 100 लघु कथाएं लिख डाली हैं और एक पोएम भी। स्नेहास बायसाइकिल वॉज स्टोलन। ओह नो, ये कहानी की शुरुआत में ही क्या हो गया, स्नेहा की साइकिल चोरी हो गई। इट हैड रेन हैवीली एंड देयर स्कूल कंपाउंड हैड बिकम अ वाटर लॉक्ड मडी क्वैगमायर। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और स्नेहा का जो स्कूल का कंपाउंड है, परिसर है, वो जलमग्न हो गया था, यानी कि पानी से भर गया था और कीचड़ से वहाँ पे दलदल बन गया था। सो एवरीबॉडी हैड टू पार्क हिज और हर बाइक्स आउटसाइड। इसलिए सभी बच्चों को अपने साइकिल को स्कूल परिसर से बाहर पार्क करना पड़ रहा था। ए थीप हैड प्रॉम्प्टली टेकन एडवांटेज सेलेक्टिंग स्नेहाज रेड एंड गोल्ड रेसर। एक चोर ने इस मौके का बहुत ही जल्दी फायदा उठाया और उसने स्नेहा की लाल और सुनहरे रंग की साइकिल को चोरी करने के लिए चुन लिया। ए पुलिस कंप्लेंट ब्रॉट नो रिजल्ट। पुलिस से शिकायत करने का भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। टू प्रिवेंट फर्दर थेफ्ट्स द प्रिंसिपल डिड हर बेस्ट टू गेट द रेन वाटर ड्रेन्ड। चोरी को रोकने के लिए प्रिंसिपल ने बारिश का पानी निकालने का भरसक प्रयास किया। इट वॉज फाउंड दैट पॉलिथिन बैग्स एंड स्टायरोफोम कप्स डेब्रिस हैड क्लॉग्ड द रेन वाटर ड्रेन्स। यह पाया गया कि पॉलिथिन बैग और स्टायरोफोम कप का जो मलबा है उसने रेन वाटर ड्रेन्स यानी नाली को जाम कर रखा था। स्टायरोफोम कप एक सफ़ेद रंग का प्लास्टिक कंटेनर होता है जो कि हल्का होता है पर वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ब्लॉकेज द वाटर ड्रेन्ड आउट एंड द स्कूल कंपाउंड बिकम ड्राई। नाली जो जाम हो गया था तो ब्लॉकेज हटाने के बाद जो बारिश का पानी अंदर स्कूल कंपाउंड में जमा हो गया था वो बाहर निकल गया और स्कूल का ग्राउंड सूख गया। बट माई बायसाइकिल इज गोन फॉर एवर, स्नेहा केप्ट ऑन वेलिंग। इट वॉज द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। पर मेरी साइकिल तो हमेशा के लिए चली गई, यह कहकर स्नेहा रोती रही और वो बोलती है कि उसकी साइकिल दुनिया की सबसे अच्छी साइकिल थी। विदाउट हर बायसाइकिल शुड हैव टू वॉक टू स्कूल विथ हर हैवी स्कूल बैग। अपने साइकिल के बिना स्नेहा को अपने स्कूल का भारी बस्ता लेके घर पैदल जाना पड़ रहा था। विदाउट हर बायसाइकिल सी कुड नॉट मीट रीतू टू शेयर हर ग्रीफ। ओह डूम, अपने साइकिल के बिना स्नेहा अपनी दोस्त रितु से भी अपने दुख बांटने के लिए नहीं मिल सकती थी। ओह कयामत, स्नेहा पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। प्रेक्षक ड्रॉप्ड इन टू आस्क हाउ स्नेहाज एसे ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट वाज प्रोग्रेसिंग। तभी प्रेक्षा स्नेहा के पास आके उसके एसे के बारे में पूछती है कि वो जो ऐसे लिख रही थी हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट टॉपिक पे वो कितनी दूर तक बढ़ा। देयर क्लास टीचर हैड आस्क्ड स्नेहा प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ टू पार्टिसिपेट इन एन ऐसे कॉम्पिटिशन। उनके क्लास टीचर ने स्नेहा प्रेक्षा और सिद्धार्थ को एक ऐसे
प्रतियोगिता हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था। एज द थ्री वेयर गुड एट राइटिंग, क्योंकि ये तीनों जो स्टूडेंट थे वो लिखने में बहुत ही अच्छे थे। द फर्स्ट प्राइज वॉज हुपिंग रुपीज 2000, पहला पुरस्कार जो था वो 2000 रुपये का था। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, प्रेक्षा सेड स्मगली। प्रेक्षा वॉज द क्लास स्कॉलर, मैं पहले से ही इस एसे को कंप्लीट कर चुकी हूँ, ऐसा प्रेक्षा सहजता के साथ संतुष्टि के साथ बोलती है। प्रेक्षा अपने क्लास की जानकार स्टूडेंट में आती थी। आई डोंट थिंक आई कैन राइट विदाउट माई बाइक, स्नेहा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने साइकिल के बिना इस एसे को लिख भी पाऊंगी। यहाँ उसका कहने का मतलब था कि उसकी साइकिल चोरी हो गई थी, इस कारण उसका मन एसे लिखने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। आई डिड नॉट नो यू रोड विथ योर बाइक, प्रेक्षा स्क्वेल्ड विथ लॉफ्टर। प्रेक्षा तेज से हंसते हुए बोली कि मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने बाइक से लिखती हो, यानी साइकिल से लिखती हो। स्नेहा गिव प्रेक्षाज ब्रीड अ साफ पुल इन रिवेंज, बदले में स्नेहा ने प्रेक्षा की चोटी को तेज से खींचा। इट वॉज ऑल राइट फॉर प्रेक्षा टू क्रैक सच जोक्स एज सी कैम टू स्कूल बाय अ कार, ऐसे जोक्स बोलना प्रेक्षा के लिए बहुत ही आसान था, सही था, क्योंकि वो स्कूल तो कार से आती थी। सी डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट टाइम लॉस्ट एंड फैटिक कॉज्ड बाय वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसे इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी होती थी कि थकान या फिर समय की बर्बादी का, जो कि लंबी दूरी चलने से होती है। विल हु हैज टाइम फॉर एसीज, स्नेहा सेड फेनिंग इन डिफरेंस ऑल दो सी वॉन्टेड टू राइट। स्नेहा बोलती है कि ऐसे लिखने के लिए किसके पास समय है। स्नेहा ने ऐसा बस दिखाया कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जबकि रियलिटी में वो ऐसे लिखना चाहती थी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या स्नेहा ऐसे कंप्लीट कर पाती है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल में अपलोड होने वाला है।